हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के हमारे चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। जो भी मित्र से होगी फ्रेंड्स है उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। आज है 21 फरवरी 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स देखेंगे आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो भी मित्र से होगी फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं ने जरूर शेयर करें। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। हैव यू एनी क्यूरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स से क्या क्या करंट अफेयर्स बने हैं आज के डेट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए या डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की क्लास से, देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर एक, संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति सिक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मित्र शक्ति सिक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा, ये आपके ऑप्शन है जापान, चीन, रूस, श्रीलंका। फ्रेंड्स, संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और इसकी मुद्रा जो है श्रीलंका रुपया है। राष्ट्रपति जो है यहाँ के मैत्रीपाल सिरिसेना है और प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंधे। फ्रेंड्स, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं श्रीलंका से। कोई भी क्यूरी हो फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं। आपके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट और ऑफिशियली प्रोवाइड करा सके और जो भी न्यूज़ प्रोवाइड हो रही है हमें वो आपको दे सके। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, मालदीव ने वित्तीय अवसंरचना परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। ये आपके ऑप्शन है आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एग्जिम बैंक, एचडीएफसी बैंक। फ्रेंड्स, मालदीव ने जो है वित्तीय अवसंरचना परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो वो है आपका एग्जिम बैंक। अब बात करते हैं एग्जिम बैंक की। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। राजधानी जो है इसके मालदीव की राजधानी जो है आपकी मेले है। मालदीव के राष्ट्रपति जो है फ्रेंड इब्राहिम मोहम्मद सूरी है। मालदीव की जो राजधानी है मेले है और मुद्रा मालदीवियन रुपया है। फ्रेंड्स, मालदीव से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ एग्जिम बैंक का आपका फुल फॉर्म एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया है। फ्रेंड्स, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस
कब मनाया गया है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे? ये आपके ऑप्शन है 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च। तो फ्रेंड्स बता दें आपको, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस जो है 18 मार्च 2019 को मनाया गया है। इसकी इस बार की थीम है रिसाइकलिंग इन फ्यूचर। ये एवरी ईयर आपको 18 मार्च 2019 को मनाया जाता है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है, अर्थशास्त्री और प्रोफेसर, ये हाल ही में इनका निधन हो गया है, एलन क्रूगर का। ये पूर्व अर्थशास्त्री थे और वर्तमान में प्रोफेसर थे। ठीक है फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। हैव यू एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, और क्या है क्वेश्चन नंबर 5। भारत निर्वाचन आयोग ने किस पहली ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता को चुनाव राजदूत नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये आपसे आपके सारे ऑप्शन हैं, राखी सावंत, प्रमोद सावंत, गौरी सावंत, प्रियंका चोपड़ा। फ्रेंड्स बता दें आपको, गौरी सावंत को जो है नियुक्त किया है। गौरी सावंत जो है पहली ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता है जिनको चुनाव राजदूत नियुक्त किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। जैसा कि लोकसभा चुनाव होने वाला है फ्रेंड, इसी के लिए लोग ज़्यादा जागरूक हो, वो वोट करें, इसी के लिए गौरी सावंत को चुना गया है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया गया है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, हैप्पीनेस डे आपको किस दिन मनाया गया है फ्रेंड्स? ये आपके ऑप्शन है 19 मार्च, 20 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है इस बार 20 मार्च 2019 को मनाया गया है। एवरी ईयर ये 20 मार्च 2019 को मनाया जाता है। इस बार की थीम है फ्रेंड हैप्पियर टुगेदर। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम है? ये आपके ऑप्शन है हसन रूहानी। तो फ्रेंड नूर सुल्तान नजरबाय को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, इनका नाम है नूर सुल्तान नजरबाय। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय लेखक ने विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जीता है, उनका क्या नाम है? यह आपके ऑप्शन है रघु कर्नाड, लघु कर्नाड, चेतन भगत, रजनीश कुमार। तो फ्रेंड्स बता दें आपको, जो विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जीता है उनका नाम रघु कर्नाड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर जरूर करें। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को
$1.6 मिलियन का भुगतान किया है। ये आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, BCCI को 1.6 मिलियन जो है पाकिस्तान बोर्ड ने भुगतान किया है। ये एक केस चल रहा था ICC में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, जिसको चलते हैं देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एवेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? करें उहलेनबेक, मलाला इस रूबेन रिवलिन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये करें उहलेनबेक जो है एवेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है, इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियन 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फ्रेंड्स, भारत को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और चीन को जो है, बताते हैं आपको फ्रेंड्स, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों में शीर्ष स्थान पर कौन है? आपके ऑप्शन है मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, कार्लोस, अनिल अंबानी। तो फ्रेंड्स, बता दें आपको, मुकेश अंबानी जो है अमीर खेलों की टीम के मालिकों में शीर्ष स्थान पे हैं। फोर्ब्स की विश्व की जो रिपोर्ट निकाली गई है सारी टीमों की, फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जो भी मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें जरूर शेयर करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। हैव एनी क्यूरी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 21 फरवरी 2019 के। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। कोई भी क्यूरी हो तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में क्या कमियां रह गई हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। चलते चलते फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार फिर से, रिवाइज कर लेते हैं। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति सिक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके श्रीलंका और भारत के बीच जो है एवरी ईयर आयोजित किया जाता है फ्रेंड। इस बार जो है ये सिक्स था। श्रीलंका की राजधानी जो है जयवर्धन कोटे, मुद्रा श्रीलंका रुपया, राष्ट्रपति जो है मैत्रीपाल सिरसेना है, प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंधे हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मालदीव ने वित्तीय और संरचना परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एग्जिम बैंक के साथ समझौता किया है। मालदीव की राजधानी मेले है, मुद्रा मालदीवियन रुपया है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सूरी हैं। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये 18 मार्च को मनाया गया है। ग्लोबल रिसाइकिलिंग डे थीम है इस बार की है रिसाइकिलिंग इन फ्यूचर। नेक्स्ट, एलन क्रूगर का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो अर्थशास्त्री और प्रोफेसर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग ने किस पहली ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता को चुनाव राजदूत नियुक्त किया है? ये आपको गौरी सावंत को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, एवरी ईयर 20 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम है हैप्पियर टुगेदर। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम नूर सुल्तान नजरबायेव है। ठीक है फ्रेंड, भारतीय लेखक ने विंडहेन कैंपेल पुरस्कार जीता है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम रघु कर्नाड है। ठीक है फ्रेंड्स, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को 1.6
मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को 1.6 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो करेन वालेनबेक बनी है। ये एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल की टीम के मालिकों में शीर्ष स्थान पर कौन है? ये आपके मुकेश अंबानी हैं। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। कोई भी क्यूरी हो फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं, करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, किसी से भी फ्रेंड्स जॉब से रिलेटेड कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो फ्रेंड आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, कोई भी कमियां हो हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, ये आप ही का चैनल है, आप इस परिवार के सदस्य हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, विशिंग ए हैप्पी हेली टू ऑल ऑफ यू, आप का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। हैव एनी क्यूरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। तो फ्रेंड्स आप सभी को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सेफ होली एंड नेचुरल होली आप लोग इंजॉय करें। ठीक है फ्रेंड, सेलिब्रेट करें। विशिंग टू All of you a happy holi. Thanks for watching this video. The friends milte hain naye video mein naye update ke sath, tab tak ke liye goodbye, have a nice day. Please like subscribe and share to friends. Have any query please write in the comment section box below. Tab tak ke liye namaskar, aap sabhi ka din shubh ho. Thanks for watching this video.